माँ तो गजानन को देखने और उसे दुग्ध देने गई थी, अभी तक लौटी क्यों नहीं? ये भयानक चित्कार का स्वर हो क्या रहा है वहां? अंत हो गया इस दुष्ट का, किंतु इस घटना से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है मेरे मन में। किस दिव्य शक्ति का रूप है मेरे पुत्र गजानन का जीवन और क्या है उसके जन्म का प्रयोजन? पिताश्री ने उचित समय पर रक्षित कर लिया मुझे। छल करने का परिणाम मिल गया ना? भाई का तो लेश मात्र चिन्ह भी नहीं है गजानन के नेत्रों में, ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन है ये? क्या हुआ यहाँ? गजानन, तुम कुशल तो हो ना? हाँ माँ। ये राक्षसी यहाँ आई कैसे? ये कहाँ से आई ये तो ज्ञात नहीं माँ। मैं भवन के बाहर आया तो इसने जया मौसी का वेश धरकर मुझे भोजन देने का प्रयत्न किया, किंतु वो मैंने अस्वीकार कर दिया। फिर इसने मुझे दुग्ध दिया, वो भी बहुत कड़वा था। आपने भेजा है, बस ये सोचकर मैंने उसका पान कर लिया। फिर पिताश्री ने अपने त्रिशूल से इसका वध कर दिया। मेरे पुत्र, मेरे गजानन, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम सुरक्षित हो। माँ, आपका स्नेह पाकर तो मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। कहाँ रह गई वो दुष्ट अजृंभा? अब तक क्यों नहीं लौटी? आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो सुर सम्राट। बुदबुदाओ मत बुढ़िया, जो कहना है वो स्पष्ट कहो। व्यर्थ ही चिंता कर विचलित हो रहे हैं आप। जृंभा शीघ्र आ जाएगी, किंतु इस बार उसे यहाँ से दूरी रखिएगा, उसे यहाँ से भेज दीजिएगा, अन्यथा पुनः उसके विष का दुष्प्रभाव होगा मुझ पर। गजानन की सुरक्षा को लेकर सर्वथा उचित है माता की चिंता। पिताश्री, ये आसुरी शक्तियां बार बार भिन्न भिन्न रूप लेकर गजानन को आहत करने का प्रयत्न कर रही हैं। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, हमें उसे इस योग्य बनाना होगा। भैया के पास धनुष? चेतावनी है मेरी यह धनुष की टंकार, वो शत्रु जिसने इस राक्षसी को यहां भेजा है वो सावधान हो जाए। भैया कार्तिकेय कितने महान योद्धा हैं, उनका बाण तो अत्यंत अद्भुत है। अद्भुत भैया, अद्भुत। असुर सम्राट, वहां देखिए। ये मेरी ओर क्यों बढ़ रहा है? ये जृंभा
मृत। चेतावनी है मेरी यह धनुष की टंकार, वो शत्रु जिसने इस राक्षसी को यहां भेजा है वो सावधान हो जाए। कूट हलाहल विष धारणी जिम्बा की ये दुर्दशा, इतनी शक्तिशाली राक्षसी का वध कर दिया उस गजानन बालक ने। त्रिदेव भी सुरक्षित नहीं है इसके काल कूट हलाहल विष से, यही कहा था ना, तो एक बालक ने कैसे सह लिया इसका विष, वध कैसे कर दिया इसका, अंत करेगा वो मेरा, यही कहा था ब्रह्मदेव ने। सत्य हो जाएगा उनका वचन यदि मैंने स्वयं उसका अंत कर उसे नहीं रोका। गजानन चलो भवन में। नहीं भैया, मैं भीतर नहीं आऊंगा। क्यों आऊं मैं वहाँ? ये देखने कि माँ आपको अकेले अकेले इतना स्वादिष्ट भोजन खिला रही है और मुझे माँ मात्र दुग्ध दे रही है। अरे इतने सारे फल इन गणजी के पास। माँ पिताश्री भैया मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो बस इन गण के साथ जाऊंगा। अब तो ये फल मेरे होंगे। रुकिए मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। अरे गजानन रुको तो। प्रत्यक्ष में तो ये मात्र एक बालक है, मेरा पुत्र। बाल सुलभ क्रीड़ाएं कर हमें लुभाता है, किंतु जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसके परोक्ष में क्या है? जो मैंने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, किंतु जो नेत्र देख सकते हैं वो हमारे समक्ष, किंतु उसके पीछे क्या छिपा है, क्या रहस्य है ये, क्या है मेरे पुत्र की वास्तविकता, कौन सी अलौकिक शक्ति का स्वरूप है वो, उसकी अद्भुत दिव्यता का स्रोत क्या है? अपने पुत्र की दिव्यता को लेकर अचंभित है देवी पार्वती। आप सभी यहाँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवी पार्वती, असाधारण है आपका पुत्र गजानन, जिसकी रक्षा के लिए आप चिंतित हैं। उसने ही जन्म से पूर्व आपकी अर्थात अपनी माता की रक्षा की थी। मेरी रक्षा की थी उसने ब्रह्मदेव, अपने जन्म से पूर्व, किंतु कैसे? आपको वो समय तो स्मरण होगा ही जब आप अपनी कल्पना से अपने पुत्र के रूप का सृजन कर रही थी। तब एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने आपके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को पराजित करने के उद्देश्य से कैलाश में प्रवेश किया था। किंतु उसकी कुदृष्टि आप पर पड़ी। तब गजानन ने ही हस्तक्षेप करके आपको उस असुर से रक्षित किया था। गजानन की अनुपम अद्भुत दिव्यता का अनुभव तो मुझे भी हुआ था देवी पार्वती। जब ब्रह्मलोक में उसका आगमन हुआ था तो उसने अपनी दिव्यता से मुझे भी अभिभूत किया था। पार्वती नंदन तो स्वयं ओमकार स्वरूप है,
जिन्होंने अपनी माता जगत जननी की रक्षा अपने जन्म से पूर्व ही की थी, जो स्वयं ओमकार स्वरूप हैं, जिनके उदर में लाला जल अमृत स्थित है। आपका वो पुत्र साधारण बालक कैसे हो सकता है देवी पार्वती? आप सभी ने गजानन की दिव्यता का अनुभव किया है, वो ओमकार स्वरूप है, मेरा पुत्र, ये कैसे संभव है? शंका की छाया को मिटाकर सत्य की ज्योति को देखिए, तो आपको स्वयं उसका परिचय प्राप्त होगा। आपका पुत्र गजानन ही ओमकार स्वरूप, परम शक्ति, परब्रह्म, महागणपति है। महागणपति अर्थात वो परम शक्ति जिनका आभास और दर्शन हम त्रिदेवों को सतयुग से भी पूर्व इस सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था। ये वो समय था जब पूर्व में स्थित सृष्टि का अंत हो रहा था। प्रलय काल का भयंकर दृश्य था। जल और वायु के उत्पात से संसार का संहार हो रहा था। संपूर्ण धरा सागर के जल में विलीन हो गई थी। सर्वत्र विनाश का अंधकार प्रस्तुत था। सृष्टि, प्रकृति, समस्त संसार पर उस विनाश लीला का प्रकोप छाया था। समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो रहा था। इस सृष्टि का निर्माण कर हमने उसका पालन किया था। उस प्रकृति के प्रत्येक अंश का अंत होने लगा, तो हमारे मन में हम त्रिदेवों के अस्तित्व के औचित्य को लेकर प्रश्न उठा। जिस संसार को स्थापित रखने का कार्य हम त्रिदेवों का था, वो तो नष्ट हो चुका था। हम इस विचार में डूब गए कि अब हम त्रिदेव क्या करें। इस समस्या का समाधान तो हमें गहन तप से ही प्राप्त होगा, और हम तीनों तप करने पाताल लोक चले गए। सहस्त्रों करोड़ों वर्षों तक हम त्रिदेव पाताल लोक की गहराई में स्थित रहकर ध्यान और तप में रत रहे। जब उस घोर तपस्या का कोई भी फल ना निकला, कोई समाधान हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ, तब हमने पाताल लोक से बाहर आने का निर्णय लिया। पाताल लोक से लौटने पर हमने देखा सृष्टि को अपने भीतर समाहित करने वाला जल नीचे उतर चुका था। जल का वेग अवश्य शांत हुआ था, किंतु तब भी कुछ दिखाई नहीं देता था। थल अब भी जल में ही डूबा था।
एक स्थान जो जल से मुक्त था उसी को उचित जानकर हम तीनों वहीं बैठकर विचार विमर्श करने लगे, पर हमारी समस्या अभी भी वहीं की वहीं थी। जो था उसका अंत हो चुका था। उसके अंत स्थान पर हम उनका ध्यान उनकी प्रार्थना करने लगे, जिनसे संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व है, जो सृष्टि के ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड के कारण के भी कारण है, जो अनादि है और अनंत है। हम उन्हीं परम ब्रह्म का आह्वान करने लगे कि वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। शक्ति मैं ही नहीं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म होता है, प्रलय के पश्चात मुझ में ही संसार का विलय भी होता है। मैं ही करता हूँ, मैं ही धारण करता हूँ और मैं ही संहार करता भी हूँ। मैं ही विश्व रूप ब्रह्म हूँ, मैं ही साक्षात नित्य आत्मा हूँ। सत्व रज तम तीनों गुणों से परे, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों देहों से परे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से परे, मैं ही प्रणव हूँ, मैं ही ओमकार हूँ, जो समस्त मंत्रों का बीज मंत्र है। सभी वेद मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। नमो नमो विश्वे भृते अखिलेश, नमो नमः कारण कारणाय, नमो नमो वेद विदाम दृश्य, नमो नमः सर्ववर प्रदाय। प्रभु आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। हम आपका ध्यान आपकी आराधना करते रहे, जिससे हम अपने भविष्य का निर्धारण कर सके। उचित है, मैं भविष्य के कार्य आप तीनों में विभाजित कर देता हूँ। ब्रह्मदेव आप एक नवीन सृष्टि का सृजन करें, विष्णुदेव आप सृष्टि का पालन करें और महादेव आप जीवन मरण सृजन और भंजन के काल चक्र द्वारा निर्धारित नियमों को स्थापित रखने के लिए, काल की क्रिया में संतुलन बनाए रखने के लिए उचित समय पर सृष्टि का संहार करें। जैसी आज्ञा प्रभु, किंतु मेरी एक शंका भी है। सृष्टि के अंत के साथ ही सृष्टि की सारी स्मृतियां मेरे मन से लुप्त हो गई हैं। मुझे तो अब यह भी ज्ञात नहीं है कि सृष्टि कैसी होती है, उसे कैसा होना चाहिए। ब्रह्मदेव, मेरे भीतर विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन कीजिए, फिर तो आप स्वतः सहजता से एक नवीन सृष्टि की रचना करने में सक्षम हो जाएंगे। आश्चर्य, अनेकों ब्रह्मांड, असंख्य सृष्टि। परम ब्रह्म परमेश्वर के भीतर ये असंख्य रचनाएं रचना के भिन्न भिन्न पड़ावों पर हैं। कहीं नवीन सृष्टि का सृजन हो रहा है तो कहीं प्रलय से किसी सृष्टि का अंत।
कोई सृष्टि अपने प्रारंभ में नवीन ऊर्जा से सज्जित है तो कोई अपने अंत के निकट है। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी महिमा। धन्य है प्रभु। ब्रह्मदेव, अब तो आपको सृष्टि के समस्त रहस्य ज्ञात हो गए होंगे। हाँ प्रभु, आपकी कृपा से अब सब स्पष्ट है। हमें अपने दिव्य दर्शन देकर दिशा निर्देश देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कल्याण हो। गौरी, गजानन तो परब्रह्मी हैं, जिन्होंने एक बालक के रूप में अवतार लिया है। जब मैं स्वयं अपने पुत्र की दिव्यता नहीं पहचान सकी तो देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को उसका परिचय कैसे प्राप्त होगा? सर्वथा उचित है आपका कथन देवी, क्योंकि अपने इस रूप में अभी गजानन को स्वयं अपने वास्तविक रूप का परिचय नहीं है, क्योंकि अभी उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है। कुंडलिनी जागृत होते ही उन्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि वो पर ब्रह्म स्वरूप ही है, तब उन्हें अपने जन्म का प्रयोजन भी ज्ञात हो जाएगा। एक बार वो अपनी मानवीय एवं शारीरिक सीमाओं को भेद देगा, एक बार उसे स्वज्ञान हो जाएगा तो वो अपने मूल रूप में आ जाएगा, सर्वोच्च ईश्वर के स्थान पर स्थापित होगा। इसका अर्थ तो यह है स्वामी कि मैंने व्यर्थ ही देवराज इंद्र को चुनौती दी। एक दिन ऐसा आएगा जब स्वयं मेरा पुत्र गजानन देवराज इंद्र को अपना वास्तविक परिचय देगा। माँ, पिताश्री, गजानन तो परब्रह्मी हैं, जिन्होंने एक बालक के रूप में अवतार लिया है। कुंडलिनी जागृत होते ही उन्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि वो परब्रह्म स्वरूप ही है। मुझे आप सभी की दृष्टि से ओझल हुए इतना समय हो गया और आप में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यदि मुझे कुछ हो जाता तो वो तो अच्छा था कि उन गंजी के पास इतने सारे फल थे, अन्यथा भूख के कारण मेरी अवस्था बहुत विकट हो जाती। किंतु माँ, मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। चलो पुत्र, भीतर चलो, मैं तुम्हें और दुग्ध देती। नहीं माँ, अब दुग्ध नहीं, अब मुझे भोजन चाहिए, जैसा भैया को प्राप्त होता है वैसा भोजन। अरे, हमारे पुत्र गजानन को अभी तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ? नहीं मामा जी। देवी पार्वती, ये तो सर्वथा अनुचित, उसे अवश्य भोजन मिलना चाहिए। किंतु भ्राता श्री हरि नारायण, मैं उसे अभी अन्न कैसे दे सकती हूँ? उसका अन्नप्राशन। प्रिय, स्वयं अन्नपूर्णा हैं आप, गजानन की माता हैं, इसलिए आपको स्वयं गजानन का अन्नप्राशन करवाना चाहिए। आहा, मेरा अन्नप्राशन! इससे शुभ भला और क्या हो सकता है? देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती एवं ब्रह्मदेव और विष्णु देव की उपस्थिति में यदि आपके हाथों से गजानन का अन्नप्राशन किसी भी दिव्य उत्सव से किसी भी रूप में कम नहीं है। उचित है नाथ, मैं स्वयं अपने पुत्र गजानन का अन्न प्राशन करूंगी और अन्न प्राशन के बाद उसकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए उसकी शिक्षा प्रारंभ करूंगी। Thank you.
आज तो सब खाऊंगा। अब हम गजानन का अन्न प्राशन संस्कार प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य हम सभी के आदरणीय गजानन के नाना महाराज हिमवान उसको भोजन का प्रथम निवाला देंगे। रुकिए, क्या हुआ? गजानन का अन्न प्राशन प्रारंभ होने के पूर्व ही तुमने उसे रोक दिया? स्वामी, 56 भोग व्यंजनों से सज्जित है ये थाल, किंतु इसे देखकर पूर्णता का आभास नहीं हो रहा है मुझे। कुछ तो अवश्य अभी भी शेष है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु शेष है? अब क्या शेष है पुत्री? अब तो बस गजानन का अन्न प्राशन ही शेष है। कुछ शेष नहीं माँ मेरे उदर में, बस मेरे द्वारा इन स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाना ही शेष है। विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु जो उचित है उसी का होना अनिवार्य है। मेरे पुत्र के अन्न प्राशन का प्रथम आहार ये 56 व्यंजन नहीं, कुछ और हो। कुछ और होगा? क्योंकि जो विशेष है अभी वही शेष है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, तनिक प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी वो विशेष व्यंजन लेकर आती हूँ। पुत्र गजानन, प्रतीक्षा तो तुम्हें भी करनी होगी, पर प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ विशेष व्यंजन लाने गई। हाँ मामा जी, कठिन तो है किंतु मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। सुना भैया, माँ मेरे लिए कुछ विशेष लेकर आ रही है। पार्वती माता भी आज गई जान, पुत्र उनका अद्भुत विशेष महान। बालक हो ऐसा जब असाधारण, अन्न प्राशन उसका हो क्यों साधारण। व्यंजन विशेष कोई माँ कर निर्मित, बालक सोच सोच के हर्षित। व्यंजन का थाल सबका खींचे है ध्यान, उसने क्या लाई माता किसको है ज्ञान। कितना सुंदर है ये, अवश्य बहुत स्वादिष्ट भी होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु पुत्री ये क्या व्यंजन है और इसमें क्या विशेष है?
आटे से बना हुआ साधारण मिष्ठान ही तो प्रतीत हो रहा है ये। नहीं नानी जी, ऐसा मत बोलिए, माँ ने मेरे लिए बनाया है तो असाधारण ही होगा ये मिष्ठान, है ना माँ? वैसे इसको बोलते क्या है माँ? मोदक। मोदक? जो अपनी विशेषता से सबको मोद अर्थात आनंद प्रदान करेगा। पुत्र, माता उचित कहती है, दिखाई देने में तो साधारण ही है ये, किंतु उचित तो तुम्हारा भी कथन है पुत्र, क्योंकि ये मोदक भीतर से अत्यंत असाधारण है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु समझ नहीं आया, भीतर से असाधारण? जैसे तुम हो, जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ वैसा ही है ये मोदक। आप मुझे मोदक जैसा बनाना चाहती हैं माँ, किंतु उसे खाए बिना, उसके स्वाद को जाने बिना मैं उसके समान कैसे बन सकता हूँ? माँ, मैं ये मोदक खा लूँ ना? अवश्य पुत्र, गजानन का अन्न प्राशन मोदक से ही प्रारंभ होगा। सत्य कहा था माँ आपने, जितना भीतर जाओ इसका असाधारण स्वाद तो बढ़ता ही जाता है। इतनी मिठास, ऐसा स्वाद छिपा है इसके भीतर, जिसका अनुमान इसे देखकर नहीं लगाया जा सकता। हाँ पुत्र, जैसे मोदक को देखकर कोई नहीं जान सकता कि उसमें कितनी मिठास है, वैसे ही हम सबके भीतर परमात्मा रूपी सुंदर सत्य का वास है, किंतु मोह माया में लिप्त होने के कारण हम उसकी सुंदरता उनको नहीं जान पाते। उनका परिचय तो मोह माया त्याग कर ही प्राप्त होता है, समझे? हाँ माँ। माँ, आप गजानन की नानी हैं, इसीलिए अब आप गजानन को मोदक खिलाइए। माँ, बहुत स्वादिष्ट है मोदक। किंतु माँ, ये मोह माया क्या होता है जिसे त्यागना इतना आवश्यक है? हाँ माँ, और इस मोह माया से छुटकारा पाने का उपाय भी बताइए ना। हाँ पुत्र, आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है, अच्छे कर्म से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, यही तो जीवन का परम उद्देश्य है। किंतु सांसारिक सुखों की लालसा, निज स्वार्थ और इच्छाओं के माया जाल से भ्रमित होकर सभी जीव उन परमात्मा को ही भुला बैठे हैं। तो फिर इस परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए माँ? पुत्र, सत्य की साधना, माया को भेदने वालों की समस्त शक्तियाँ और कुंडलिनियाँ जागृत हो उठती हैं, और उन्हें अपने भीतर बसी परमात्मा की शक्ति और उनकी सुंदरता से परिचय कराती हैं। वैसे ही पुत्र, जैसे मोदक के भीतर का स्वाद लेने पर ही इसकी वास्तविक मिठास का आनंद प्राप्त होता है। स्वामी, अब आप गजानन को मोदक खिलाइए। पुत्र, अनेकों मिथ्या आकर्षण है संसार में, जो पल पल पर प्रस्तुत होकर हमें भ्रमित करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, मन भावन सुगंध, प्रिय शब्द, सुंदर दृश्य,
कोमल स्पर्श अर्थात पांचों इंद्रियाएं इच्छाओं का रूप लेती हैं और इच्छाएं छह विकारों को जन्म देकर हमें भटकाती हैं। उन्हें वश में रखकर ही अंतर की गहराई में छिपी अपने विशेषताओं को सुंदरतम रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात अपने भीतर बसे परमात्मा का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अंतरात्मा में झांककर अपने अवगुणों को दूर करना, बुराई का मार्ग त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलना, गुणों को निखारना, परमात्मा से मिलन के अपने परम उद्देश्य पर स्थिर रहना, अपने भीतर छिपी सुंदरता से संपूर्ण जगत को आनंदित करना, जीवन के इसी परम ज्ञान का प्रतीक है ये मोदक। अन्नपूर्णा, अब आप भी तो अपने हाथों से अपने पुत्र को मोदक खिलाएं। लो पुत्र। देवी पार्वती, जीवन के सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक मोदक की आकृति भी कितनी विशेष है ना। हाँ देवी लक्ष्मी, मोदक का आकार तो महाशून्य के ही समान है। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये महाशून्य क्या होता है? महाशून्य तो अनंत है, अपने आप में ही संपूर्ण है। समस्त जगत और सभी जीवों का जीवन उसी से उत्पन्न होता है और उसी में समाता है, अर्थात ये तो प्रणव मंत्र ओमकार का ही प्रतीक है। इसीलिए पुत्र, जो मोदक के वास्तविक अर्थ को जान जाता है वो संसार के दुख सुख से परे रहता है। सांसारिक माया जाल से भ्रमित ना होकर परमात्मा से स्वयं को जोड़कर पूर्णता को प्राप्त करता है ना माँ? बालक का बाल जो स्पर्श की उमा, शक्ति के ज्ञान से बालक हुआ युक्ता। अरे अरे पुत्र, ये लीजिए भैया। माता, ये मोदक का ही प्रभाव है जो गजानन अपना भोजन मुझसे बांटना सीख गया। माँ, मैं समझ गया हूँ, कोई कितना भी साधारण क्यों ना दिखाई दे, यदि वो अपने भीतर बसे परमात्मा का परिचय पाकर अपने गुणों को निखार ले तो वो असाधारण हो जाता है। आपके द्वारा बनाए इस विशेष मोदक से संपूर्ण संसार यही सीख प्राप्त करेगा और आज से मोदक सदैव मुझे अत्यंत प्रिय होगा। पुत्र गजानन, अब तुम्हारा अन्न प्राशन पूर्ण हुआ, अब तुम मन भर कर भोजन कर सकते हो। आज तो मन भर कर भोजन करूंगा।
स्वादिष्ट भोजन था। आनंद आ गया और मेरा उदर भी भर गया। आपकी अनुमति हो तो मैं निद्रा करने जाऊं? हाँ पुत्र, अपनी नानी माँ के साथ जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। आज विश्राम कर लो पुत्र, क्योंकि कल से तुम्हें श्रम जो करना होगा। कठोर तप कर शक्ति और दिव्यता की साधना करनी होगी। देवराज इंद्र। प्रणाम महादेव। क्या है आपकी चिंता का कारण? दक्षिण क्षेत्र में पुनः असुरों का आतंक छाया प्रभु। हम देवताओं के धर्म की रक्षा करने के लिए एक बार पुनः हमें देव सेनापति कार्तिकेय की आवश्यकता है। अभी तो मैंने अपने लाल को ठीक से अपने हृदय से भी नहीं लगाया। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं अपने पुत्र को। अपने पुत्र को अपने से विलग नहीं होने दूंगी और आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगी। कार्तिकेय का यहां से जाना देवी पार्वती कदापि स्वीकार नहीं करेंगी। गजानन, उठो पुत्र गजानन। माँ, भोर हो गई। अरे वाह, अब तो मेरा अन्नप्राशन हो गया है। अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ ना माँ? नहीं पुत्र, साधना करने वाले साधक का ध्यान भोजन, निद्रा और क्रीड़ा पर नहीं, अपितु मात्र अपनी साधना पर ही केंद्रित रहना चाहिए। साधना? कैसी साधना माँ? पंचाग्नि तप, अर्थात अत्यंत कठोर साधना करनी है तुम्हें, और उसका प्रारंभ आज से ही होगा पुत्र, जिसके लिए तुम्हें इस पूजा के योग्य बनना होगा पुत्र। प्रातः काल उठकर स्नान कर पूजा स्थल पर पहुंचकर भगवान को भोग लगाकर पूजा प्रारंभ करनी होगी पुत्र। जाओ पुत्र, स्नान करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें भवन से दूर तुम्हारे तप स्थल पर लेकर चलूंगी। हमारे भवन से दूर माँ? हाँ। अच्छा, माता, मार्ग तो समाप्त हो गया, तपोस्थली कहाँ है? पुत्र, वो रही तुम्हारी तपोस्थली। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न हरता। अद्भुत बालक पर माँ प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में
उसे बनाती। माँ, हम तब के लिए भवन से इतनी दूर इस निर्जन वन में क्यों आए हैं? इसीलिए पुत्र, क्योंकि इस निर्जन और शांत स्थल पर तुम्हारा ध्यान नहीं बटेगा और तुम अपने तप पर स्थिर रहोगे। ये पंचाग्नि तब क्या होता है? इसका क्या महत्व है? पुत्र, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पृथ्वी से जोड़ने वाला मूलाधार, हमें सृजन की शक्ति प्रदान करने वाला और आनंद का स्रोत स्वादिष्ठान। हमारे आत्मबल, आत्मविश्वास और बुद्धि का स्रोत मणिपूरक। प्रेम, संवेदनशीलता और करुणा का स्रोत अनाहत। हमारे जीवन में सत्य के स्वर को प्रबल बनाने वाला विशुद्धि। सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि का केंद्र अजना और सहस्त्रार विशुद्ध पावन चेतना का स्रोत कुंडलिनी। वो शक्ति, वो ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ के आधार स्थान पर स्थित रहती है। तप और ध्यान के प्रभाव से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सभी चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है और जब वो हमारे शीश, हमारे मस्तक में प्रवेश करती है तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपनी इस शक्ति को जानने के लिए हमें इन सभी चक्रों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। पंचाग्नि तप से जागृत अग्नि तुम्हारा शुद्धिकरण करेगी पुत्र। इस दीपक की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर तुम अपना तप आरंभ करोगे पुत्र। तुम्हारे ध्यान की गहराई में उतरते ही इस दीपक की अग्नि से तुम्हारे चारों ओर पंचाग्नि को प्रज्वलित करेगी और यही तुम्हारे समस्त चक्रों के शुद्धिकरण का संकेत होगा और फिर तुम्हें सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। अब भोग लगाकर तुम्हें अपने तप का शुभारंभ करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ। अब पद्मासन में बैठकर अपना समूचा ध्यान इस दीपक की लौ पर केंद्रित करो। देवराज, आपको भी ज्ञात है कि अपने उत्तरदायित्वों से मुख मोड़ने का स्वभाव नहीं है मेरा, किंतु मेरा अनुज गजानन असुरक्षित है। उसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस समय मेरा यहाँ कैलाश में उपस्थित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। कुमार कार्तिकेय, ये कैलाश है, यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं, अर्थात गजानन सुरक्षित है। यदि कोई असुरक्षित है तो वो हम देवता हैं। हम देवताओं के सर पर संकट के मेघ छाएं। आज धर्म की ज्योति भी संकट में है और उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। देवराज,
मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए, जन्म नहीं। प्रणाम माता। पूर्व में भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी रक्षा, देवताओं की सहायता, सृष्टि के संकटों को दूर करना मात्र यही नहीं है, मेरे पुत्र कार्तिकेय का धर्म, उसका दायित्व अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए इस समय मेरे पुत्र का यहाँ रहना अनिवार्य है। प्रभु, मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूँ, निर्णय तो आप ही को लेना है। और मैं आपके परिवार में हस्तक्षेप करने की दृष्टता भी नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, आज संकट मुख खोलकर खड़ा है, उसे नष्ट करने के लिए देव सेनापति होने के नाते कुमार कार्तिकेय का दक्षिणी छोर पर होना अति आवश्यक है। प्रभु, इंद्रदेव, मेरा छोटा पुत्र कार्तिकेय का अनुज गजानन एक अत्यंत कठिन तप का प्रारंभ कर रहा है आज, उसके लिए मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय की यहाँ आवश्यकता है। तप कर रहा है गजानन, अर्थात माता पार्वती अपने प्रण को भूली नहीं है। यदि गजानन इस तप में शक्तिशाली हो गया तो ख्यात नहीं वो कितना समर्थ हो जाए। तप के पश्चात तो वो कदाचित मुझे ही देवराज के पद से हटाकर स्वयं मेरा स्थान न ले ले। नहीं, मैं ये कदाचित नहीं होने दूंगा। प्रिय, तप से तुम गजानन को सबल समर्थ क्यों बना रही हो? इसीलिए ना कि वो आत्मनिर्भर हो सके, सब जगत का कल्याण कर सके, लोक कल्याण का हेतु बन सके। तनिक विचार करो उमा, तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय तो तुम्हारी शक्ति पाकर पूर्व से ही सर्व समर्थ है। वो अपनी रक्षा करने के साथ साथ वो सजनों की रक्षा करने में भी सक्षम है, और वही उसका धर्म है ना? पुत्र, तुम ही कहो, तुम्हारा कर्तव्य कहाँ है, यहां या दक्षिण में? आप उदास मत होइए माता, पिताश्री का संकेत उचित है। आप यहाँ गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखें और मैं वहां दक्षिण में अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। किंतु जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। क्या आप मुझे जाने की अनुमति देंगे? आप गजानन को मेरे प्रस्थान की सूचना दे देंगे? वहां जाकर उसके तप में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता। तुम जाओ पुत्र। कर्तव्य के आगे अपने स्नेह का बलिदान देने का अपने हृदय को कठोर बनाकर तुम्हें विदा करने का अभ्यास हो गया है मुझे। और आप भी सुन लीजिए इंद्रदेव, यदि मेरा पुत्र गजानन अपने इस तप में सफल हुआ तो उसे कभी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी, वो भी सर्व समर्थ होकर अपनी ही नहीं संसार की सभी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाएगा।
पूजे होती कामना पूर्ति। चिंतावरण सुखदायक देव गणराया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव जय देव। क्या हुआ जया? इतने ऊंचे स्वर में वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है जया। मैं अभी कैलाश में थी तो सुना कि कुमार कार्तिकेय दक्षिण की ओर जा रहे हैं। भैया जा रहे हैं मौसी, किंतु क्यों? अभी तो मैंने उनके साथ क्रीड़ा का आनंद भी नहीं लिया। अरे तुम इतने दुखी मत हो पुत्र गजानन। देखो ना, कुमार कार्तिकेय यहाँ नहीं रहेंगे तो माता अपना संपूर्ण स्नेह तुम्ही पर तो निछावर करेंगी। फिर वो जितना भी स्वादिष्ट भोजन पकाएंगी वो सभी अकेले तुम्ही को तो प्राप्त होगा। तुम्हें तो आनंद आ जाएगा ना। भोजन? अरे गजानन तुम खड़े क्यों हो गए? मैं रसोई गृह जा रहा हूँ, अभी लौट आऊंगा। अरे, अरे रुको गजानन, गजानन। चाहिए तुम्हें? नहीं बोलूंगी, किंतु साधना के मध्य में भूख को मिटाने के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करने आया था। भैया मैं आपके वाहन से भेंट कर सकता हूँ? क्या हुआ गजान, तुम दौड़ क्यों रहे थे? मुझे क्यों रोका? सब सरकुशल तो है ना? इतनी बार कहा है तुम्हें कि भवन से इतनी दूर अकेले मत निकला करो, कहा है ना? फिर माता को पता है तुम यहाँ हो? ये क्या है? भोजन आपके लिए, माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन। आपको अत्यंत प्रिय है ना माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन? ये लीजिए, जब मन हो तब खा लीजिएगा। हाँ,
अपना ध्यान रखना गजान, और माता का भी ध्यान रखना, अपने तप पर ध्यान देना, और हाँ गणों को तनिक भी कष्ट मत देना। जी भैया। और माँ को बताए बिना भवन से इतनी दूर कभी मत आना। जी भैया। अब मुझे जाना होगा गजान, और विलंब उचित नहीं है। लाओ ये भोजन दे दो मुझे, दो अपना ध्यान रखना अनुज। जी भैया। आपका जाना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा भैया, किंतु आपको रोक भी तो नहीं सकता ना। मुझसे तो भैया का जाना अभी से नहीं सहा जा रहा है, पता नहीं अब उनसे कब भेंट होगी। किंतु अब मुझे लौट जाना चाहिए, माँ ने कहा था भोग की थाल लगाकर पूजा प्रारंभ करनी है। कितनी सुंदर तितली है। अरे अरे रुको तितली, विश्राम कर रही हो तुम, अवश्य पकड़ लूंगा इस बार तुम्हें। अरे ये तितली नहीं, कोई असुर है।